अस्सलामु अलैकुम, मैं मुजाहिद हुसैन, आप देख रहे हैं लिटरेरी हाइट्स। वंस अगेन वी आर बैक विद द डिस्कशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एज यू नो, हम डिस्कस कर रहे थे पोस्ट मॉडर्न एज, और इस एज की ये हमारी तीसरी वीडियो है। आई वुड जस्ट रिकॉल द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस एज, और फिर हम चलेंगे हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है पोस्ट मॉडर्न एज के मशहूर राइटर्स और उनके वर्क्स को डिस्कस करना। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पिछली वीडियोस में हमने इस एज की हिस्टोरिकल टाइमलाइन को डिटेल से डिस्कस किया है। मैनी थिंग्स लाइक पोस्ट कॉलोनियलिज्म, वर्ल्ड वॉर टू एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अपार्ट फ्राम दिस, वी हैव ऑल्सो डिस्कस द मेन फीचर्स, थ्योरीज, आई यू मे कॉल थीम्स ऑफ दिस एज: pastiche, parody and hyperreality and many others. And in the very last video, हमने चंद राइटर्स को भी देखा है जिनमें बड़े बड़े नेम्स लाइक सैम्यूल बेकेट, फिलिप लार्किन एंड हैरल्ड पिंटर। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वॉज एन ओवरव्यू। अगर आप इन चीज़ों को डिटेल से देखना चाहो, डिस्क्रिप्शन में मैं इन वीडियोज़ का लिंक छोड़ दूँगा, आप उन्हें भी देख सकते हो। चलिए जनाब, तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है इस एज के मशहूर राइटर्स को डिटेल से डिस्कस करना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न ड्रामा। तीन बड़े नेम्स जिनमें सैम्यूल बेकेट, जी बी शाह और हैरल्ड पिंटर शामिल हैं। इलावा अजी, आपके सामने एक लिस्ट मौजूद है, और ये लिस्ट उन लोगों की है जो पोस्ट मॉडर्न एज में ड्रामा लिख रहे थे। चूँकि इन सारों को डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, हम पहले तीन ड्रामाटिस्ट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे और बाकी जो लोग हैं हम उनको ब्रीफली देख लेंगे, ताकि हमें इस एज का ग्रैंड जॉनरा ऑफ ड्रामा अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सैम्यूल बेकेट की। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस एज। वो अपने करेक्टर्स की वजह से फेमस है और वो अपनी मॉडर्न फिलोसोफी की वजह से फेमस है। अगर आप इसका कोई भी ड्रामा उठाएं और उसको पढ़ें, यू पीपल विल फाइंड कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ईजी है, बट इस थीम एंड फिलोसोफी इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन। मसलन अगर हम बात करें उसके शाहकार प्ले वेटिंग फॉर गॉडो की, ये फेलियर ऑफ मॉडर्न मैन को एज अ थीम पोर्ट्रे करता है। इस ड्रामा में टोटल दो एक्ट्स हैं और पांच करैक्टर्स हैं। वो पांच करैक्टर्स किसी ना किसी तरीके से आपस में डायलॉग करते रहते हैं, यू नो, अ फ्रिवलस काइंड ऑफ डायलॉग। और यही सैम्यूल बेकेट की पहचान है। वो मॉडर्न मैन को जिस तरह पोर्ट्रे करना चाहता था, उसने उसी तरह के करैक्टर्स लिए और उन्हें अपने इस ड्रामा में दिखा दिया। सो दिस इज़ अबाउट वेटिंग फॉर गोडो। उसने टोटल 36 प्लेज लिखे हैं, और उनमें से दो और भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड गेम है और हैप्पी डेज। देन वी हैव जी बी शाह, फुल नेम जॉर्ज बर्नार्ड शाह। शाह अपनी रियलिज्म की वजह से जाना जाता है। वो रियलिटी को बहुत अच्छे तरीके से फेस करना जानता था, और यही उसके प्लेस की पहचान भी है और थीम भी। उसने भी कई खूबसूरत प्लेस लिखे, जैसा कि पिगमिलियन, मैन एंड सुपरमैन एंड ए डेविल्स डिसिपल। दे आर ए काइंड ऑफ ट्रेजियो कॉमेडीज। ट्रेजियो कॉमेडीज मतलब ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, यू नो, ए काइंड ऑफ लाफ्टर एट द एंड ऑफ द प्ले। अच्छा, शाह का ये जो प्ले है ए डेविल्स डिसिपल, ये प्यूरिटेनिकल थॉट को एज अ थीम पोर्ट्रे करता है। इस प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट है, लोग उसको बुरा भला कहते हैं, और यही उसकी सोसाइटी में रिकग्निशन है। इंटरेस्टिंग प्ले है दोस्तों, कभी मौका मिले तो उसको पढ़ना ज़रूर। आफ्टर शाह वी हैव हैरल्ड पिंटर। पिंटर को आप एक अच्छा ह्यूमरिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह इंसान के नर्व्स और इमोशंस को पोर्ट्रे करता है, बहुत कम राइटर्स ने किया है। मसलन अगर हम बात करें इसके प्ले द केयरटेकर की, ये प्ले दो भाइयों और उनके एक दोस्त की कहानी है। उन दो भाइयों की आपस में बनती नहीं है, और इस चीज़ का फ़ायदा उनका वो दोस्त बार बार उठाता है।
कभी वो उनको आपस में लड़वा देता है और कभी वो उनकी सुलह करवा देता है, और ये प्ले एंड तक इसी तरह चलता रहता है। डू यू नो इसकी सबसे बड़ी थीम क्या है? इसकी सबसे बड़ी थीम है डिसिल्यूजनमेंट। यस, डिसिल्यूजनमेंट। आपको याद होगा हम इस पे बात कर चुके हैं। एनी हाउ, आपके सामने दो और प्लेज भी मौजूद हैं जो कि हैरल्ड पिंटर ने ही लिखे हैं, जिनमें द बर्थडे पार्टी है और द बट्रेल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दोज पीपल हु आर राइटिंग ड्रामा इन दिस एज। लेट अस मूव टूवर्ड्स एन अदर जॉनरा दैट इज़ ऑफ प्रोस आर यू मे से नावल। ये बहुत ही फेमस जॉनरा है इस एज का। बड़े बड़े नावलिस्ट में डेविड फोस्टर वेलिस, थॉमस पिंचन, जॉन फेलिस, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस और बाकी एक लिस्ट आपके सामने मौजूद है। ये सारे वो लोग हैं जो इस एज में नावल लिख रहे थे, मोस्ट डेफिनेटली नावल ही लिख रहे थे। गो के कुछ लोगों ने शॉर्ट स्टोरीज और एसेज भी लिखे हैं, बट द मोस्ट फेमस काइंड ऑफ जॉनरा वाज ऑफ नावल। सो हम इनको नावलिस्ट्स समझ कर ही डिस्कस करेंगे। डेविड फोस्टर वेलिस ने ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखा और एक कम्प्लेक्स नेचर का नावल फार्मूलेट किया। इसने कई खूबसूरत नावल्स लिखे जैसा कि इन्फिनिट जेस्ट, द पेल किंग एंड दिस इज़ वाटर। द पेल किंग इसकी अपनी कहानी है। जैसा कि मैंने बताया, इसका स्टाइल ऑटोबायोग्राफिकल था। सो इस नावल में इसने अपने आप को पोर्ट्रे किया है, एक ऐसा शख्स जो अब सैडिटी का शिकार है और जो एक इमेंसिपेशन की तलाश में हो। यू मे से द इमेंसिपेशन ऑफ गॉड, जिसे आप सर्वाइवर बोलते हो लिटरेचर में। देन वी हैव थॉमस पिंचन। अच्छा, पिंचन के जो नॉवेल्स हैं वो बहुत ही डेंस और कॉम्प्लेक्स होते हैं, दोनों एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से भी और थीम के एतबार से भी। इसका ग्रेविटीज रेनबो है, द क्राइंग ऑफ लॉट 49 है और डेडली सिंस है। ग्रेविटीज रेनबो वर्ल्ड वार टू की कहानी है। इट वॉज द टाइम वेन यूरोप वॉज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। जर्मन आर्मी और इटालियन आर्मी आमने सामने थी और एक मखसूस किस्म के रॉकेट्स जिनका नाम था V2 रॉकेट्स और जिन्हें जर्मन मिलिट्री इस्तेमाल कर रही थी, उन्हें भी इस नावल में एज अ सिंबल लिया गया है, एज अ सिंबल ऑफ फियर, एज अ सिंबल ऑफ डिसिल्यूजनमेंट एंड एज अ सिंबल ऑफ हाइपर रियलिटी। आफ्टर पिंचन वी हैव गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस, सच एन एक्सीलेंट नावलिस्ट। गैब्रियल मार्क्यूस अपने मैजिकल रियलिज्म की वजह से जाना जाता है। मैजिकल रियलिज्म होता है जब हम रियलिटी और मैजिक को इकट्ठा कर देते हैं, ये एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, इसने 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड लिखा, क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड लिखा और लव इन द टाइम ऑफ कोलरिया लिखा। इसका सबसे मशहूर पहले वाला नावल है, आई मीन 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। ये एक ऐसी कहानी है जो जिंदगी की संभालनेस से ली गई है। यू एविडेंटली नो द बैकग्राउंड, वर्ल्ड वार टू, कोल्ड वार, फियर, एनजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल लाइक दैट। ये सारी चीज़ें इस नावल में पोर्ट्रे की गई हैं और दिखाया ये गया है कि लाइफ इज़ वेरी स्मॉल, स्मॉल इन द सेंस के पता ही कोई नहीं कब ख़त्म हो जाए। आपको याद है ना जब हम बात कर रहे थे इनविटिबिलिटी ऑफ लाइफ पे, कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इंसान ने सोचा कि आई एम नो मोर इन दिस वर्ल्ड। सो दैट थीम इज़ पोर्ट्रेड हियर। एनी हाउ फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्ट मॉडर्न नावलिस्ट्स। लेट अस मूव टूवर्ड्स द पोस्ट मॉडर्न पोइट्स। अगर हम बात करें इस एज में लिखी गई पोइट्री की, तो हमारे पास कई बड़े बड़े नाम हैं, जैसा कि W.H. Auden, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली T.S. Eliot, विलियम एस बरूस, लॉरेंस फर्लिंगिटी, ग्रिगरी कॉर्सो, चार्ल्स ऑल्सन एंड सो ऑन। ये सारे पोइट्स हैं और ये सारे पोस्ट मॉडर्न एज ही में लिख रहे थे। चलिए अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, W.H. Auden की पहचान है उसकी थीम ऑफ फियर। वो जिस तरीके से नैरेटिव में सस्पेंस क्रिएट करता है,
इस तरह बहुत ही कम लोग करते हैं। उसने लिखी हैं September 1, 1939, फ्यूनरल ब्लूज एंड द एज ऑफ एंजाइटी। दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल पोइम्स, बट हियर यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग। ये जो पहली पोइम है September 1, 1939, ये वर्ल्ड वार टू की रात की कहानी है, यानी जिस रात वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई, September 1, ये पोइम उस रात को लिखी गई। और क्रिटिक्स का ख्याल है कि यही वो पोइम है जिससे पोस्ट मॉडर्न इरा का आगाज़ होता है। देन वी हैव टी एस एलियट, वन ऑफ द फाइनेस्ट नेम्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एज एंड द 20th सेंचुरी एज अ होल। इसने लिखी है द वेस्ट लैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड द होलो मैन। इन तीनों पोइम्स का थीम ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, और वो है फेलियर ऑफ मॉडर्न मैन, डिफ़िकल्टीज ऑफ मॉडर्न मैन एंड मिसफॉर्चून ऑफ मॉडर्न मैन। इन तीनों में सबसे फेमस है पहले वाली, द वेस्ट लैंड। इस पोइम के 5 हिस्से हैं और हर हिस्सा एक अलग नैरेटिव पर मुश्तमिल है। थीम ऑन द होल एक ही है कि मॉडर्न मैन ने जो गॉडलेस सोसाइटी कायम करना चाही, वो उस एक्सपेरिमेंट में कैसे फेल हुआ, किन चीज़ों ने उसे फेल किया, और अब कौन सी चीज़ें हैं जो उसे बचा सकती हैं। ये सारी चीज़ें इस पोएम में डिस्कस की गई हैं। एंड फाइनली वी हैव विलियम एस बरूस, ही इज़ नोन एज द पोएट ऑफ इनसाइट, यानी इंसान के अंदर का शायर। और वाकईतन ये था, अगर आप इसको पढ़ें देन यू पीपल विल फाइंड कि ये रियलिटी को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, और बज़ाहिर ये लगता है कि ये रियलिटी के बहुत करीब पहुंच चुका था। एनी हाउ, इसने कई खूबसूरत पोइम्स लिखी हैं, जैसा कि वेयर फ्लैश सर्कुलेट्स, कोल्ड लॉस्ट मार्बल्स एंड पिस्टल पोइम। पिस्टल पोइम के आगे हिस्से भी हैं, पिस्टल पोइम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें जो पहले वाली पोइम है वेयर फ्लैश सर्कुलेट्स, ये उसने अपने रिवायती प्रोजैक स्टाइल में लिखी है। इसमें उसने लंदन सोसाइटी को पोर्ट्रे किया है और केस के तौर पर रियलिटी को फोर फ्रंट पे रखा है। ऑन द होल उसने इस पोएम में रियलिटी के हिडन एस्पेक्ट्स को बहुत खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया है और दिखाया है कि एक्चुअली वेयर डज़ रियलिटी एग्जिस्ट। ये था हमारा आज का मौजू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।